हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जो बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके फॉर्म आ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप जो है इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आगे बढ़ते हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ओर। तो सबसे पहले हम चलेंगे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका जो है लिंक है ignu.ac.in, और हम इसके लिंक को जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है डाल देंगे। सबसे पहले बात करें इग्नू की, कुछ इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप देखेंगे रेड कलर से न्यू में लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड पीएचडी बीएससी एंड एंट्रेंस टेस्ट January 2023। जैसा कि आपको पता है दिसंबर में आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और जनवरी में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। आप यहां पर बीएड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का लिंक जो है खुलेगा या फिर इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा। यहां पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के लिए कि आप जो है क्या क्या आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस वगैरह रहने वाली है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन पेज। पहली बात जो कि हर स्टूडेंट को जाननी चाहिए वो है कि आपकी जो है एग्जामिनेशन फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रहने वाली है ₹1000। ₹1000 आपकी जो है एंट्रेंस फीस रहेगी, और फीस अगर एक बार पे हो गई तो ये जो है नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। मतलब आपने अगर एक बार जो है अपना फीस को पे कर दिया तो दोबारा आपको ये फीस नहीं मिलेगी। हाँ, पांचवें पॉइंट में इस चीज को क्लैरिफाई कर रखा है कि अगर आपकी डबल फीस जो है पे हो गई है तो आपको बस एक मेल करना है entrancetest@ignu.ac.in पर, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0112957209 पर। इसके रिगार्डिंग आप जो है आपको कोई और क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट जो है ईमेल भी कर सकते हैं preexam@ignu.ac.in पर। आगे बात करते हैं हम इसके इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, किस तरह आपको फिल करना है फॉर्म अपना ऑनलाइन। तो यहाँ पर है क्या, प्लीज डाउनलोड बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट प्रोस्पेक्टस 2023 बीएड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर्स फॉर फाइलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म काइंडली रीड इट केयरफुली बिफोर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको जो है फॉर्म मिल जाएगा जिसे आप जो है फिल करके अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स है, उन सबको डाल के आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको अपने साथ रखने हैं, जैसे कि आपकी स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, और आपकी जो भी रेलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपकी 100 KB से लेसर देन होगी और सिग्नेचर आपके जो है 50 KB पे होंगे। सिग्नेचर आपको जो है सिंपली आपको सिग्नेचर करना है, आपको एक जो है व्हाइट शीट पे आप सिग्नेचर करेंगे, उसकी फोटो क्लिक करेंगे, उसी को जो है स्कैन कर लेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट पे, हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का हमें वर्ड की फॉर्म में हमें डाउनलोड हो चुका है, जो है एडमिशन का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह डाउनलोड हुआ है। यहाँ पर आपको जो है बाकी की डिटेल्स आपको जो है मिल जाएंगी। चलिए बाकी की डिटेल्स की बात करते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बीएड, एटलीस्ट आपके 50% होनी चाहिए आपके बैचलर्स में या फिर मास्टर्स में, और अगर आप बैचलर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन विद 55%, अगर आप जो है बैचलर इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन रेलिवेंट जो कि इसके इक्वलाइजेशन हो वो आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है एक बीएड का सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो कि आप यहाँ पे जो है आप यहाँ से जो है आप वेरीफाइड होने चाहिए। ट्रेन इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट अ एनसीटीई रिकॉग्नाइजेशन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें या रिजर्वेशन की बात करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का रहने वाला है। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन आपको जो है इग्नू की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो है आपकी ₹1000 आपकी फीस रहने वाली है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। पेमेंट जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए जो है अपनी पेमेंट कर सकते हैं। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो है 20 नवंबर से आपके फॉर्म आने स्टार्ट हो गए थे, लास्ट डेट जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट की वो 20 दिसंबर रहने वाले हैं, एग्जामिनेशन आपका जो है 8 जनवरी को रहेगा। तो फटाफट जो है अपना एडमिशन फॉर्म जो है फिलअप कीजिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए, फटाफट अपनी फीस पे कीजिए और 8 जनवरी को अपने एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहिए। 10 से 15
दिन में आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।